गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए वो है डिफाइन रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूं। रिएक्शन टाइम इज, याद रखना है, इज दैट टाइम, रिएक्शन टाइम इज दैट टाइम विच ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व। ठीक है बेटा, थिंक एंड एक्ट। जरा पहले मुझे बता दीजिए व्हाट इज रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम आप लोगों को पहले पता लगना चाहिए। रिएक्शन टाइम वो टाइम है जो एक आदमी ले सकता है किस लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, सोचने के लिए और एक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं बेटा रिएक्शन टाइम। व्हाट इज रिएक्शन टाइम? रिएक्शन टाइम इज दैट टाइम विच ए पर्सन टेक्स टू, तीन चीजें ज्यादा जरूरी है, विच ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। अब मैं बताऊंगा रिएक्शन टाइम क्या है। मान लीजिए आप लोग एक रोड पर चल रहे हो, ठीक है बेटा, रोड पर चल रहे हो आप लोग गाड़ी में या मोटरसाइकिल पर, मान लीजिए एक स्कूटी पर चल रहे हो आप लोग, ठीक है बेटा, तो इधर देख लीजिए बेटा, यहां गाड़ी में चल रहे हैं, कार में, ये मान लीजिए ये है बेटा कार में आप लोग ट्रेवल कर रहे हो, इधर देख लीजिए बेटा, आप लोगों को समझाने के लिए मैं बना रहा हूं ये। अगर आप लोग कार में बैठे हो, ठीक है बेटा, तो रोड पर चल रहे हो, अचानक आप लोगों ने यहां पर एक छोटा बच्चा देखा, रोड पर एक बच्चा आ गया, फटाफट आप लोग रोड पर जा रहे हो, लेकिन आप गाड़ी चलाते जा रहे हो एक रोड पर, अचानक से एक इसी रोड पर बच्चा एक निकल के आ गया कहीं से। अब आप लोगों ने बच्चे की तरफ देखा, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया बच्चा सड़क पर है, उसके बाद सोचा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और उसके बाद आप लोगों ने ब्रेक अप्लाई की, थिंक किया, सोचा आप लोगों ने कि क्या करना चाहिए, फिर एक्ट का मतलब आप लोगों ने ब्रेक लगाई। तो ये कितनी जल्दी में कर पाए आप लोग, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, अगर एक आप लोग रोड पर गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो और आप लोगों ने एक बच्चा सड़क पर देखा अचानक से, आप लोगों को जो ही बच्चे पर नजर पड़ी, आप लोगों ने बच्चे को पहले ऑब्जर्व किया, वो भी फटाफट ऑब्जर्व किया, सोचने लगे, फिर आप लोगों ने एक्ट किया, एक्ट का मतलब ब्रेक्स लगाए ताकि बच्चा गाड़ी के नीचे ना आ जाए, इसको बोलते। अब हर किसी आदमी के लिए पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है, हर कोई ब्रेक जल्दी लगा पाता है, कोई ब्रेक नहीं लगा पाता है जल्दी, और कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसका मतलब रिएक्शन टाइम जो है बेटा हर किसी पर्सन का वेरी करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, रिएक्शन टाइम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है बेटा। कितनी आधे रिएक्शन जल्दी दिखा पाते हैं, आधों का रिएक्शन टाइम कम होता है, आधों का रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है, ये नेचुरली एक इंसान में होता है रिएक्शन टाइम। इसलिए मैं बता रहा हूं रिएक्शन टाइम इज दैट टाइम विच ए पर्सन टेक्स
टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट. कितनी जल्दी कर पाता है एक्ट, वो कैलकुलेशन में आ जाता है रिएक्शन टाइम. अब आप लोग बोलोगे सर ये रिएक्शन टाइम कैसे मेजर कर पाएंगे, एक इंसान का रिएक्शन टाइम कैसे हम मेजर कर सकते हैं. देखो बेटा, एक रॉड लानी है, मान लीजिए ये है रॉड, ये ऐसे पकड़नी है, एक दोस्त ये पकड़ लेगा ये रॉड ऐसे. रिएक्शन टाइम को मेजर करना है. हाउ टू मेजर द रिएक्शन टाइम, मेजर कैसे करेंगे रिएक्शन टाइम, वो मैं समझा रहा हूं. हाउ टू मेजर रिएक्शन टाइम, हाउ टू मेजर रिएक्शन टाइम, ठीक है बेटा, हाउ टू मेजर रिएक्शन टाइम कैसे करना है. सबसे पहले आप लोगों को एक रॉड लेनी है ऐसे, ठीक है बेटा. ये रॉड जब आप लोग लोगे, ये ऐसे पकड़नी है थंब और इस फिंगर से, ठीक है बेटा. ये आपके दोस्त ने ऐसे होल्ड करके रखी है, उसको छोड़ना है और आप लोगों को इसको थोड़ा नीचे पकड़ना है, ठीक है बेटा. याद रखा, आपको क्या करना है, ऊपर से फेंकना है और आप लोगों को नीचे पकड़ना है इसको. तो देखते हैं आप लोगों का रिएक्शन टाइम क्या है. मान लीजिए आप लोगों ने ये ऊपर, एक बच्चे ने ऊपर से फेंक दी, दूसरे को पकड़ना है इसको छोड़ के ऐसे, देखो ये ऐसे, रिएक्शन टाइम, दूसरे को पकड़ना है, ये देखो ऐसे छोड़ना है, ऐसे पकड़ना. कैलकुलेशन करेंगे रिएक्शन टाइम की, ऐसे छोड़ना है, ऐसे पकड़ना है एक रॉड को, दूसरे बच्चे को इसको होल्ड करना है, कितना नीचे वो मैं आपको बताता हूं, वो कैलकुलेशन. इस पॉइंट को नोट करना है और जहां पर आप लोग पकड़ोगे इस रॉड को, उस पॉइंट को नोट करना है. मान लीजिए मैंने यहां से छोड़ी ऐसे, यहां पर पकड़ी, इसको नोट करना है. इधर देख लीजिए बेटा, अगर मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे इसको पकड़ लिया, मान लीजिए यहां से ऐसे पकड़ लिया ऐसे, और इधर देख लीजिए बेटा ऐसे, यहां पर मान लीजिए यहां पर मैंने पकड़ लिया, तो ऐसे देखो, देखो बेटा कैसे, ठीक है बेटा. तो ये आप लोगों को ऐसे यहां पर मैंने पकड़ लिया, तो ये हमें मेजर करना है, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस हमें मेजर करनी है. तो मान लीजिए ये है 0.21 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है ये, कितने सेंटीमीटर इस रॉड ने कवर किए, छोड़ने से और पकड़ने तक कितने डिस्टेंस कवर कर दी, 0.21 मीटर, 0.21 मीटर, कितने 20 सेंटीमीटर मान लीजिए, 21 सेंटीमीटर इसने कवर कर दिए. अब आप लोगों को बताना है रिएक्शन टाइम कैसे. एस तो आप लोगों के पास है, वी नो, वी नो, एस होता है बराबर बेटा यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये सबको पता है, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो पहले तो ये रेस्ट पर था, फिर जब हमने छोड़ा तो ये नीचे आ गया, नीचे कौन लाया इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हेयर U कितना है बेटा, जीरो, ठीक, याद रखा बेटा. A कितना है, A है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन इस रॉड में आती है ड्यू टू ग्रेविटी, ये नीचे आ जाती है, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है. तो S कितना है बेटा, S हो गया 0.21 मीटर इज इक्वल टू यू, तो ये जीरो प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. आप देखो 0.21 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मल्टीप्लाई 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है बेटा,
टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई 0.21 डिवाइडेड बाय टू, इधर मल्टीप्लाई 9.8 नीचे, 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू रूट आएगा इस पर, रूट ऑफ 2 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाय 9.8 सेकंड. और ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा, ये आएगा 0.2 सेकंड. टाइम कितना आया बेटा? 0.2 सेकंड. ये कौन सा टाइम है बेटा? रिएक्शन टाइम. इसका मतलब हो गया, अगर ये रॉड हमने ऊपर से फेंकी थी, इसको हमने 21 सेंटीमीटर नीचे पकड़ा, तो रिएक्शन टाइम हमारा कितना था? 0.2 सेकंड लगे. कितना? एक्ट ऑब्जर्व करने में, थिंक करने में और एक्ट करने में कितना समय लगा? 0.2 सेकंड्स. इस तरीके से हम रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट करते हैं. एक बार फिर से बताता हूं, रिएक्शन टाइम होता है वो टाइम जिस टाइम में एक पर्सन ऑब्जर्व करता है, सोचता है और एक्ट करता है. मैंने वही बताया, अगर एक कार चल रही है, अगर आप कार चला रहे हो एक रोड पर, आप लोगों ने अचानक से एक बच्चे को सड़क पर देखा, आप लोगों ने ऑब्जर्व पहले किया, फिर आप लोगों ने सोचा और फिर आप लोगों ने फटाफट ब्रेक लगाई. लेकिन मैं बता रहा हूं, हर किसी पर्सन का अलग अलग रिएक्शन टाइम है, किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है. इसको मेजर करने के लिए मैंने आप लोगों को इस रॉड का यूज किया. इस रॉड को ऐसे पकड़ लीजिए और इसको छोड़ दीजिए. आप लोगों को इसको पकड़ना है, कितना नीचे आप लोग इसको पकड़ पाओगे कितने समय में, वो आपका शाबाश बेटा रिएक्शन टाइम होगा. क्लियर? हमने कैलकुलेशन की, अगर हमने रॉड को 0.21 मीटर नीचे पकड़ा तो एक्सेलरेशन, आपको पता है रॉड आ जाती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मैंने 9.8 लगा दिया यहां पर वैल्यू, टाइम आ गया 0.2 सेकंड्स. क्लियर है? क्लियर है बेटा? इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम.